कलम में दाखिल फरमाया। आज इस कलमे की मेहनत को अल्लाह पाक हरेक कच्चे पक्के मकान में दाखिल फरमाएंगे। हरेक आदमी इसको मुहताज बन करके पढ़ेगा कि अगर पढ़ लिया तो बेड़ा पार, नहीं पढ़ा तो बेड़ा गर्क। मुहताज बन करके और हर कोई इसको जानेगा कि हर एक इंसान के निजात के लिए ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जरूरी है। ये मेहनत ऐसे नहीं है, ये गलत गलत नकल हरकत वैसे नहीं है, ये तो मुजाकरा है। हर एक साथी दूसरे से मुजाकरा करता है, सिर्फ और सिर्फ ताकि मुसलमानों के अंदर उस मेहनत वो मेहनत को समझ में आ जाए कि मेहनत कहते किसको है। आज मेहनत 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 सुनते तो है लेकिन समझ ही नहीं पाते कि मेहनत है क्या है। देखो भाई, मेहनत कहते हैं इंसान के आंखों का देखना, जुबान का बोलना, कान का सुनना, दिलो दिमाग का गौर और फिक्र, हाथ से पकड़ना, पैर से चलना और आजा व जवाहर का इस्तेमाल, ये मेहनत है। एक आदमी खुदाई का काम कर रहा है, ये सारी चीजें अगर उसका काम नहीं करेगा तो खुदाई नहीं कर सकता। अगर हाथ पैर काम ना करे तो खुदाई का काम नहीं करेगा। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है, चाहे वो बहुत उमदा लिखा कर रहा है, वो मस्जिद की तामीर में काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके वो अपाहज है तो बहुत उमदा अच्छे से अच्छा नामी ग्रामीण किसके लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर उसका अकल काम नहीं कर रहा, या आंखों से नहीं देखता, या कानों से कम सुनता, या सुनता ही नहीं, ऐसा आदमी नहीं कर सकता, चाहे उसके अंदर सलाहियतें बहुत है। तो मेहनत कहते हैं इंसान के आजा व जवाहर के इस्तेमाल को मेहनत कहा जाता है। दुनिया का हर आदमी इस मेहनत को कर रहा है, नाफरमान भी कर रहा, फरमा बरदार भी कर रहा, क्योंकि जो आदमी मेहनत करता है उसके पूरे आजा व जवाहर उस मेहनत में इस्तेमाल होते हैं। एक आजा व जवाहरा अगर उसमें से कमजोर पड़ जाए तो मेहनत में कमजोरी आती है। अगर दावत की मेहनत में कमजोरी आएगी तो उसके असरात हम सब देखेंगे कि गश्तों में क्या हुआ, मुलाकातों में क्या हुआ, जोड़ में क्या हुआ, और जब तकाजे आते रहे उसमें क्या हुआ, सबके सामने होगा। मस्जिद के अमाल में कितना फर्क पड़ेगा वो आप देख लें। मेहनत की कमी वो जाहिर होती चली जाती है, मेहनत अगर होती रहे उसकी तरक्की भी जाहिर होती रहती है। आज में मजमा बढ़ गया, आज जो आदमी कई महीने से सहरोदा के लिए इरादा कर रहा था, आज उसने कहा नहीं भाई मेरा तो पक्का ही नाम लिख लो, और जिन्होंने चिंदा या दूसरे थोड़े बहुत स्थानों में औकात लगाए वो भी तैयार होने लगा कि भाई चार महीना तो लगाना है, ताकि इस काम को सीखना भी है और मौत का मकसद बना के करना है। अगर चार माह ना लगाया इस मेहनत को तो सीख नहीं सकेंगे। सीखने के लिए चार महीना, करने के लिए पूरी जिंदगी। मेरे भाइयों दोस्तों, ये चलत फिरत सिर्फ मुतवज्जा कराने के लिए है ताकि लोगों के अंदर ये मुसलमान जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो पढ़ा है, ताकि वो समझ ले। ये दिन अक्सर के दिन देखो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आए, इस तरीके में जो बुनियादी चीज है उन्हें यकीन की करती है। यदि जो कुछ यहाँ से होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हकीकत वहाँ से होता है, बल्कि करने धरने वाली जान एक अकेले अल्लाह को हम सबका खालिक है, मालिक है, राजिक है, सुना भी दे जाए। सारे के सारे खजाने उसके कब्जे कुदरत में है, हालात की भी और चीज होती है। अल्लाह का जैसा चाहते हैं जब चाहते हैं अपने पढ़ने करने में किसी मखलूक के होता है, लेकिन ये सारी के सारी मखलूक के अपने करने धरने में नफा नुकसान की जो हिम्मत है अल्लाह जब जलालू का नतीम इन तमाम बातों का यकीन हम सब के दिलों में आ गया। अल्लाह जब जलालू की जात से, अल्लाह जब जलालू की सिफात से जो कुछ होता है सब उसी की सिफात और कुदरत से होता है।
की तमाम बातों को यकीन अपने कुलूब में उतार लिया कि अल्लाह पाक जो चाहते हैं वो करते हैं, किसी मखलूक की कोई मखलूक से ना मशवरा लेते हैं ना उससे उसके जरिए किसी काम को करते हैं, बल्कि अल्लाह के नजरा लो सिर्फ अपने अमर कुल से करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने मखलूक पैदा किए सब कुछ सिफात के साथ करें, हर एक के अंदर सिफात, चाँद की अलग सिफात, सूरज की अलग सिफात, सितारों की अलग सिफात और ज़मीन और आसमान के अलग सिफात, फरिश्तों के अलग सिफात, इंसानों के अलग सिफात, जानवरों के अलग सिफात, ये तमाम सिफात अल्लाह ही ने रखी, इसकी अपनी नहीं। अब सूरज की सिफात, सूरज में गर्मी है, रोशनी का फैलाना है, दिन का आ जाना है, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन अल्लाह चाहेंगे तो सूरज ना निकले, दिन फिर भी मौजूद है, लोगों के मन में है कि दिन तो हो चुका लेकिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा, उसकी रोशनी दिखाई नहीं दे रही। और बाजों जगहों के इलाकों में तो यूँ भी हुआ करता है कि सूरज अपने आबोताब से होता है लेकिन उसकी गर्मी नीचे तक नहीं पहुँची, अल्लाह उसकी सिफात को चाहे तो जाहिर करें ना करें। अब चांद की ठंडक और उस सितारों की तासीर कुदरत, अल्लाह पाक चाहे तो दवाई से सेहत दे, अल्लाह चाहे तो दवाई के बगैर सेहत दे, वरना अस्पतालों में तो बेशुमार लोग इलाज करते हैं, एक ही मर्ज के कई अहबाब पाए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सेहत पाकर घर पहुंचते हैं, कुछ सेहत पाकर खेत के मैदानों में चले जाते हैं और कुछ लोग उसी अस्पताल से कब्रिस्तान चले जाते हैं। तो पता ये चला कि दवाई में या अस्पतालों में या बहुत अच्छे और पढ़े लिखे डॉक्टरों में उमदा डिग्री वाले डॉक्टरों के हाथ में सेहत है नहीं, सेहत अल्लाह के खजानों में है, अल्लाह के इरादे में, अल्लाह चाहेंगे तो सेहत देंगे, अल्लाह चाहेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो इज्जत दें और जिंदा के नक्शों में से अल्लाह पाक इज्जत दे दें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने तमाम जिंदा का रसवाई के नक्शे मौजूद थे लेकिन अल्लाह पाक का इरादा था इज्जत देने का, था अल्लाह ने इज्जत दिया और दे के दिखाया और जमीन और आसमान में जितने थे सब ने देखा, इंसान ने देखा, जिन्नात ने देखा, फरिश्तों ने देखा, आसमानी मखलूकों ने देखा, सब ने देखा कि अल्लाह पाक ने जिल्लत के नक्शों में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैसी इज्जत अता फरमाई और ऐसी इज्जत अता फरमाई कि किसी ने पूछा कि आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और अच्छे अय्याम कौन से थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका पेश मफहूम है कि वो 40 दिन जो मैं आग में था वो हमारे जिंदगी के बड़े अच्छे अय्याम थे। यानी आग अपनी सिफत के एतबार से तो जलाती है, वो जलाने वाली चीज है, हर घर में इस्तेमाल की जाती है, पूरी दुनिया में आग का इस्तेमाल है, अपनी जरूरत के लिए आग को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अल्लाह पाक ने आग की सिफत को जब हटा दिया, जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया तो सारे चीख पड़े कि अब ये तो जल जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में जो रस्सी बंधी हुई थी वो तो जल गई लेकिन जिस्म का एक बाल भी ना जला। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह पाक ज़ाहिरी नक्शों के से हट कर के अल्लाह पाक दिखाते, ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कुदरत है। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया, ये उसकी कुदरत है, कुछ नमूना नहीं था, मैंने इंसान को पैदा करके दिखाया, फिर उसमें औरत भी बनाया, मर्द भी बनाया, लेकिन ये अल्लाह ही कर रहे, अपने कुदरत से कर रहे। लेकिन दुनिया की जितनी चीजें हैं हमें जो दिखाई दे रही नहीं दिखाई देते, सारे बगैर नक्शों की बनी हुई, किसी को नहीं मालूम था कि ये गाय बकरी की शक्ल की होनी चाहिए, इसका नाम गाय किसका होना चाहिए, बकरी किसका नाम होना चाहिए, भेड़, दुम्बा, शेर, गिदड़, ये जितने अपने शक्ल और हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हैं जिससे लोग उसको पहचानते हैं, ये अल्लाह ही पहचान करवाई, अब अल्लाह ने दिखलाया।
तो ये शक्ल बनाने वाले भी अल्लाह है, उसको वजूद देने वाले भी अल्लाह है, और ये फिर अपनी मर्जी से कर नहीं सकता। अब ये चाहे कि मैं अपनी मनमानी करूं, अल्लाह पाक ने इसको खुला नहीं छोड़ा। जहां तक के सूरज और सितारों को और चांद को और ये जो जाहिरी जो चीज हमें दिखाई देती है, इन किसी को भी तो छोड़ा ही नहीं, छुट्टी दी नहीं उसको, बल्कि सूरज को दो फरिश्ते खींच के निकाल दिया और उसके बाद वो पूछ रहा है कि किन किन इलाकों में मैं ठंड डाल दूं, कहां रोशनी पहुंचाऊं, कहां ना पहुंचाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे कुदरत वाले, सारी दुनिया के साइंसदान मिलकर एक मक्खी या मच्छर के पल को वजूद नहीं दे सकते, बना नहीं सकते। मेरा अल्लाह सब पूरी कायनात को बनाता है। अल्लाह पाक ने ऐसा आसमान बनाया, अपनी कुदरत से बनाया, इसकी मोटाई इतनी है, इतनी मोटाई है एक आसमान की कि जमीन और आसमान से इतना फासला है, तो उलमा ने लोगों को समझाने के लिए बतलाया कि ये 500 साल का रास्ता है। एक अरबी नस्ल का घोड़ा 500 साल अगर दौड़ता रहे, जितनी मुसाफत करेगा इतनी जमीन और आसमान की मोटाई, फिर उसके ऊपर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा, छठा, सातवां, फिर अल्लाह पाक की कुर्सी। ये पहले आसमान से दूसरा आसमान अल्लाह पाक ने इतना बढ़ाया, इतना बड़ा बनाया कि अगर पहले आसमान को दूसरे आसमान आसमान पे रख दिया जाए तो उसकी हैसियत ही खत्म हो जाएगी। यानी एक बहुत बड़े झील के अंदर एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा जिसको कंकरी कहा जाता है, अगर उसको फेंक दिया जाए किसी बड़े झील के अंदर, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। बल्कि यहाँ तक कि लोगों ने यह भी कहा कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट एक बहुत बड़ा जानवर, जीरा एक कितना बारीक चावल से भी छोटा, तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कितना बड़ा है जिसने इतने बड़े आसमान को वजूद किया, फिर पहले को इतना बड़ा वजूद किया, दूसरे को उससे कहीं बड़ा, फिर दूसरे को अगर तीसरे के तीसरे दर्जे पर रख दिया जाए तो दूसरे की हैसियत खत्म, अब तीसरा इतना बड़ा। इसी तरीके से दर्जा बदर्जा जब यूँ चलता चला जाएगा तो जब छठे आसमान को सातवें आसमान पर रखा जाएगा तो उसकी हैसियत ऐसी हो जाएगी जैसे कि कोई बहुत बड़े झील के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा। तो इसी तरीके से सातवें आसमान को जब अल्लाह की कुर्सी पर रखा जाएगा तो उसकी हैसियत ऐसी खत्म हो जाएगी जैसे कि मतलब बहुत बड़े झील में एक छोटा सा कंकरी या पत्थर का टुकड़ा। मेरे अजीज और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने बड़े हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी, उसमें बैठने वाला कितना बड़ा, अल्लाह अकबर, ना किसी के दिमाग दिलो दिमाग में ये बात समा सकती है। अल्लाह कितने बड़े हैं, अल्लाह इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि अल्लाह की बड़ाई की कोई हद ही नहीं। ये सारी के सारी मखलूक कितनी मखलूक है, जमीन और आसमान समेत जितनी मखलूक है, ये सारी के सारी इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसके छोटे होने की कोई हद नहीं। उलमा फरमाते हैं कि मीकाईल अलैहिस्सलाम का सर इतना बड़ा है कि दुनिया में उलमा फरमाते हैं कि तहकीक से ये मालूम हुआ कि तीन हिस्सा पानी है और एक हिस्सा खुश्क। अब दुनिया में जितने पानी है और जमीन में जितना पानी है, समुंदर दरियाओं में जितना पानी है, ये सारा पानी मीकाईल अलैहिस्सलाम के सर पे डाल दिया जाए तो एक बूंद भी जमीन पे न गिरे। अल्लाह अकबर, वो फरिश्ता कितना बड़ा, उसका सर कितना बड़ा कि ना पानी उसके ऊपर डाल दिया जाए एक बूंद भी नीचे ना गिरे। अल्लाह अकबर, फिर उसका पैदा करने वाला कितना बड़ा, उसका पैदा करने वाला कितना बड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़े हैं, ये किसी के दिल में इसका गुमान ही नहीं पैदा हो सकता। अल्लाह कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं कि उसने इतने बड़े बड़े मखलूक को बना दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं कि उलमा ने लिखा है
के बाद रवायत में 100 है, बाद में 600 बाजुओं का तस्करा आया है, लेकिन इसमें तो सभी मुत्तफिक हैं कि दो बाजू को अगर खोल लें तो मशरिक और मगरिब बिल्कुल गुरूब हो जाए और उनका कद इतना लंबा है कि उनका सर अर्श मौला अपैर तहत सरा, यानी जिस तरीके से सात आसमान अल्लाह पाक ने वजूद दिए, इसी तरीके से सात जमीन भी तश्कील दी, वो भी अल्लाह ने वजूद दिया। तो अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असली हालत में आ जाए तो उनका कद जो पैर का हिस्सा है वो बिल्कुल जमीन के निचली सतह पे जाए जो तहत सरा कहलाता है, और सर उनका इतना ऊपर जाए सातों आसमान से ऊपर अर्श मौला पे जाए। अल्लाहु अकबर, ये फरिश्ता कितना बड़ा है, इसके बाजू कितने बड़े हैं, अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कितना बड़ा है जिसने इतने बड़े फरिश्ते को वजूद दिया। लेकिन एक दिन आने वाला है, उस दिन सबको मौत आ जाएगी, जितने बड़े बड़े फरिश्ते और जितने रूह कब्ज करने वाले इज़राइल, मीकाइल, इसराफील, जिब्राइल, ये सारे के सारे बड़े मुकर्रर फरिश्ते, इन सब को मौत आ जाएगी, यहाँ तक के मौत देने वाले फरिश्ते को भी मौत आ जाएगी, सिर्फ एक अकेला अल्लाह बाकी रहेगा और ऐलान होगा, बताओ आज के दिन का मालिक कौन है। फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु खुद ही इरशाद फरमाएंगे, आज के दिन का मालिक मैं ही हूँ, अल्लाह ही मालिक। मेरे अजीज और दोस्तों, दर हकीकत ये दुनिया और इसकी जिंदगी ये खेल तमाशा नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने अपनी आखिरत एक जो लंबी चौड़ी जिंदगी बनाई है जो कभी ना खत्म होने वाली, उसमें कामयाब करने के लिए इंसान को दुनिया में भेजा है, और उसने अंबिया अलैहिस्सलाम वाले आमाल बतलाए, और सरदार अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं, वो आमाल हमें बतलाए गए, जो भी अल्लाह का बंदा या बंदी, बच्चा या बूढ़ा, कोई भी जब उन आमाल को करेगा, अल्लाह पाक उसकी दुनिया की जिंदगी भी बना देंगे और आखिरत की जिंदगी भी बन जाएगी। अब आखिरत की जिंदगी इतनी लंबी चौड़ी है जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि दुनिया के खला को यानी जमीन जिस पे हम सब बैठे हैं और आसमान जो हमें नजर आ रहा है, इनके दरमियान जो फासला है इसको खला कहा जाता है। इस खला को राई के दानों से भर दिया जाए, राई वो चीज़ है जो सरसों से छोटा होता है, शक्ल तकरीबन करीब करीब मिलती जुलती है, जिस तरीके से कलौंजी है, जिस तरीके से सरसों है, इसी तरीके से ये अनाज भी है राई। तो इससे पूरी खला को भर दिया जाए और 1000 साल के बाद एक परिंदा आए, उसमें से एक दाना उठाए और ले जाए, जितनी मुद्दत में ये दाने खत्म होंगे 1000 साल, शेख ने किताब में लिखा 1000 साल के पर एक परिंदा आए, एक दाना इसमें से उठाए और ले जाए, खा जाए, जितनी मुद्दत में ये दाने खत्म होंगे, इतनी मुद्दत इंसान जन्नत में अगर रहेगा तो भी उसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। अगर बदआमालियों की वजह से अल्लाह को नाराज करके गया और जिंदगी अपनी जिंदगी के आमाल जो उससे करने चाहिए थे उसे न किया और बिगाड़ करके गया, तो फिर उसके बाद अगर खुदा न खास्ता वो जहन्नम में चला गया तो इतनी मुद्दत वो रहने के बाद भी उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। हाँ, ये अलबत्ता ये जरूर है कि वो ईमान वाला था, आमाल वाला न था, ईमान वाला था, उसके सीने में इसलिए वो अपने तमाम गुनाहों की सजा भुगतने के बाद एक न एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे खलासी दे देगा और उसकी गुनाहों को माफ करके इस दुनिया से 10 गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। अब ये दुनिया
जिससे हम मोहल्ला गांव शहर एक दिन दो दिन हफ्ता में नहीं घूम सकते, तो फिर शहर का क्या हाल होगा, फिर सूबा का क्या हाल होगा, फिर मुल्कों का क्या हाल होगा। इसी तरीके से इस दुनिया से दस गुनी बड़ी जन्नत अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे, जो बिल्कुल अपनी सजा को भुगतने के बाद जन्नत में जा रहा हो। मेरे मोहतरम अजीज और दोस्तों, ये बात जहन में उतरती नहीं, ये बात जहन में उतरती नहीं है कि इस दुनिया से दस गुनी बड़ी जन्नत, ये बात दिमाग में नहीं उतरती। अब एक समुंदर के अंदर मछली, लाजवाब बहुत सारे मखलूक अल्लाह पाक ने उसमें रखा। अब शिकारी गया, शिकारी जैसे गया उसने डोर फेंका, तो डोर के अंदर उसने कुछ लगाया, नेमत गोश्त का टुकड़ा लगा दिया, मछली का टुकड़ा लगाया, जो भी चारा है उसे फेंक दिया उसने। अब बहुत सारी मछलियां उसके इर्द गिर्द आ गई, किसे मैं खाऊं। तो कुछ तजुर्बेकार मछलियां भी होती जो जब कांटे से पहले भी शिकारी से वो डोर तोड़ करके भागी भी होती। कुछ समझाने वाली मछलियों ने उन मछलियों को समझाया, खबरदारी से तुम खाना नहीं, इसके अंदर जो तुम्हें नेमत नजर आ रहा है इसके अंदर है कांटा, जैसे तुम इसे मुंह मारोगी ये तुम्हारे हलक में फंस जाएगा। और पानी के ऊपर शिकारी बैठा है जिसके हाथ में ये डोर है, ये तुम्हें खींच के ऊपर ले आएगा, फिर इसे तुम्हें निकालने के बाद तुम्हें काटा जाएगा, मसाला लगाया जाएगा, तेल में तुम्हें फ्राई किया जाएगा, फिर उसके बाद 10-10 हाथों से तोड़ा, 10-10 उंगलियों से तोड़ा जाएगा, 32 दांतों से चबाया जाएगा। ये उलमा ने सारी तफसील बतलाए कि ये कुछ इसके साथ होगा। अब मछली ने कहा कि मुझे रिसर्च करने दो, मुझे रिसर्च करने दो, तुम क्यों मना करती हो मुझे इस नेमत को खाने से। उसने कहा देखो इस नेमत के पीछे बहुत बड़ा अजाब छुपा हुआ है, लेकिन वो कहती नहीं मैं रिसर्च करूंगी। अब वो पूरे समुंदर में उसने रिसर्च किया और आकर उन समझाने वाली मछलियों को कहा कि देखो हमने पूरा रिसर्च तो कर लिया, हमें कहीं तुम 10-10 उंगलियां कर रही हो, कहीं ना हमें उंगलियां नजर आई, ना हमें कहीं दांत नजर आए, ना हमें कहीं मसाला तेल आग नजर आया, ना ही कहीं हमें इंसान नजर आया, ना ही डोर नजर आया, ना ही कोई ऐसी चीज नजर आई। जितनी बात तुम कह रही हो सारा का सारा झूठ है। अब वो समझाने वाली कह रही है कि भाई ये सब कुछ पानी के ऊपर है, तुम्हारी तहकीक पानी के अंदर है, तुम जहां रहती हो तुम वहां तहकीक कर रही हो, रिसर्च तुम्हारा वहां हो रहा है जहां तुम्हारी रिहाइश है, जहां तुम्हारी परवरिश हो रही है। अब ये सारा मामला है ऊपर। अब उसने कहा नहीं मैं तुम्हारी बात को झूठ मानती, जैसे आज अगर किसी को दावत दी जाती है अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है कि भाई ये कलमा हमसे क्या चाहता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमसे क्या चाहती है और ये जितने आमाल हैं, अब उसे वो आमाल जो करना लाजमी है बगैर उसके चाराकार नहीं। अब ये मजाक उड़ाता है, कहता है ये तुम कहाँ से ले आए, ये तुम कहाँ से ले आए। अब वो कहता है देखो आमाल को बना के जाएंगे तो अल्लाह पाक बहुत बड़ा इनाम देंगे, यहाँ तक के एक सिर्फ कलमा वाले को इस दुनिया से दस गुनी बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे। अब वो कहता है भाई मुझे जन्नत दिखाओ, मुझे कब्र का अजाब दिखाओ, मुझे मुनकिर नकीर के सवालों के जवाब सुनाओ। अब ये तरह तरह के सवालात के भरमार करता है। अब समझाने वाला उसे समझा रहा है कि कब्र में जब मुर्दा दफना दिया जाएगा उसके साथ ये सारे मामलात होंगे, क्योंकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हम पूरी उम्मत को समझा दिया और किताबों ने इसे महफूज कर लिया।
कयामत तक आने वाले इंसान को इस बात को समझाया जाएगा कि कब्र में ये कुछ होने वाला है, मौत से पहले या मौत के आने के वक्त ये सारे मनाज़िर आने वाले हैं, जो अल्लाह के हुक्म को जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक पूरा करेगा उसकी मौत से लेकर बाद की तमाम मनाज़िर, कब्र, हशर और उठने तक का जमाना सहल और आसान हो जाएगा। वरना अगर आमाल को बिगाड़ के गया, अल्लाह को नाराज करके गया, अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करके गया और हुक्मों को तोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा, खुशी में गमी में हर हाल में सुन्नतों को छोड़ा, तो अब मौत से लेकर उठाए जाने तक, कब्र हशर और उठाए जाने तक, फैसले के दिन तक इसको पछताना पड़ेगा। अब ये कहेगा कि मुझे तो यकीन आ गया, फरिश्ते कहेंगे तू जा, ये सामने जहन्नम है, यहाँ तुझे तेरा ठिकाना यही है। वो कहेगा मुझे वापस कर दो, अब मैं बड़े अच्छे अच्छे आमाल करूंगा, अब मुझे पता लग गया अल्लाह रब्बुल इज्जत इनामात देने के एतबार से, अजर देने के एतबार से कितने बड़े हैं और पकड़ के एतबार से कितने बड़े हैं। अगर किसी इंसान को कहा जाएगा पकड़ो तो ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि उसके नाप से जंजीरों को घुसाया जाएगा, रीढ़ के हड्डियों से निकाला जाएगा, दाई पसलियों से घुसाया जाएगा, बाई पसलियों से निकाला जाएगा, ऐसे नहीं पकड़ो, ऐसे नहीं पकड़ो, पकड़ा जाएगा इस तरीके से। फिर सजाओं के जो हालात आने वाले हैं, अल्लाह पाक पूरे उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे उन हालात से, अल्लाह पाक हमारे तुम्हारे हमारे मर्दों को भी औरतों को भी सबकी बख्शीश फरमा दे। मेरे भाई और दोस्तों, अब जिस तरीके से वो मछली समझा रही थी दूसरी मछलियों को कि इस नेमत को ना खाओ, जिस तरीके से आज हराम और दूसरे गैर जरूरी खाने पीने से आज समझाने वाले समझाते हैं, तो ये आदमी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम कहां से दीन ले आए, दुनिया कहां से कहां तरक्की कर चुकी, अब तुम किन चक्करों में फंसे हुए हो, तुम हमें हमारी तरक्की में रुकावट, हम दिगर अकवाम की तरह कैसे तरक्की कर सकें अगर तुम लोग रुकावट बनोगे। अब वो उन तरक्की को, जिस तरक्की में पैसे का ज्यादा आ जाना वो समझते हैं ये इज्जत का दरिया है, जरूरियात का बहुत ज्यादा तायुश यानी लग्जरियस आइटम का बहुत ज्यादा हो जाना, उसका इस्तेमाल कर लेना, समझते हैं ये कामयाबी है। लोग वाह वाह करें, उम्दा सवारी है हमारे पास, लोग वाह वाह करें, उम्दा मकान है, वाह वाह करें, उम्दा रिहाइश है, उम्दा लिबास, और लोग हमें सलाम करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम तो हुक्मों को तोड़ने पे लगे। जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी और नूरानी तरीकों को छोड़ने पे लगे, उसमें नाफरमान तबका या जो दुनियावी एतबार से बहुत ज्यादा मुतासिर है वो तबका हमारी वाह 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 करता है और हम इसे दुनिया की तरक्की समझ रहे हैं और बिल्कुल बेखबर हैं कि आंख बंद होते ही असल आंख खुलेगी और वो सही जिंदगी शुरू हो जाएगी और फिर ये इंसान रोएगा, हाथ मलेगा, खून के आंसू रोएगा और कहेगा ए अल्लाह मुझे वापस कर दे, जवाब आएगा कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नामुमकिनात में से कमान में से तीर निकल के आप वापस नहीं आएगा, थनों में से दूध का निकल जाना वापस वापसी नहीं है, ये उसूल नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, जिस तरीके से उस समझाने वाली मछली ने समुंदर के अंदर रहकर समुंदर के मछलियों को समझाया कि इस नेमत को ना खाना वरना तेरे गले में ये कांटा फंसेगा और ये ऊपर शिकारी है तुझे ले जाएगा, अब जिन जिन मछलियों ने उसकी बात को मान लिया वो तो परे हट गई और जिन्होंने बात ना माना उन्होंने उस नेमत को देखकर वो कांटे पे जो शिकारी ने फेंका था उसको मुंह मारा, जैसे मुंह मारा जो पानी के ऊपर बैठा हुआ शिकारी इंतजार कर रहा था उसके हाथ में डोर खींची और उसने जोर से झटका मारा और एक
तड़पती हुई मछली ऊपर आ गई। अब ये ऊपर जा रही है और कह रही है मुझे वापस कर दे, मुझे यकीन आ गया, मुझे यकीन आ गया। जैसे मौत का फरिश्ता सामने आया, अब इसको यकीन आ जाएगा। अब ये कहेगा कि मुझे तो थोड़ा सा मोहलत दे दो, ये जायदाद में तकसीम कर लूं, ये गरीब यतीम हमारे मोहल्ले में इतने हैं, इन बेचारों के पास ना रहने को मकान है, ना पहनने को लिबास है, ना इनके लिए खाने पीने, और इनकी जिंदगी तो जानवरों से बदतर है। अब मैं तो सारी दौलत को इन गरीबों के पीछे और इन यतीम बच्चों के पीछे, अब वो लड़कियां जिनकी बरसों हो गई पैसा ना होने की वजह से, जहेज ना होने की वजह से शादियां नहीं हुई, उनके काम करूंगा, मैं बड़ी बड़ी नेकियां करूंगा। तो फरिश्ता कहेगा, अब वक्त गुजर गया, क्या तुझे समझाने वाला कोई नहीं आया था? हाय मुझे वक्त दे दो। अरे ये तो वहां हशर के मैदान में भी कहेगा, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे समझाने वाले आए तो थे, मैंने किसी को वहां भी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। हालांकि वो तड़प रहे थे, हमारे मस्जिद में भी मोहल्ले में भी तड़प रहे थे कि भाई अपने घर के बाल बच्चों की जिंदगी बनाओ, उनकी आखिरत की फिक्र करो, अपने बीवी बेटी बहू माँ दादी नानी अपने पोते पोतियां नवासे सबकी आखिरत की फिक्र करो, जिंदगी दुनिया की तो गुजर ही जाएगी। अगर तुमने आमाल में लगकर अल्लाह को राजी कर लिया तो अल्लाह का ये जाब्ता नहीं है कि अल्लाह पाक तुम्हारी दुनिया की जिंदगी को बिगाड़ दे। हाँ हालात तो दर्जात की बुलंदियों के लिए आया करते हैं, नबियों पे भी आए, सहाबा पर भी आए, मुत्तबईन पर भी आए, यहाँ तक के बाद के अकाबरीन पर भी आए, यहाँ तक के हमारे उलमा पे ऐसे ऐसे हालात आए कि अगर आज किसी के आगे बयान किया जाए तो लोग कहेंगे नहीं यार ऐसे ही किस्सा कहानी है। लेकिन अल्लाह जानता है कि उस अल्लाह के बंदों ने कैसे इस्तकामत अपने अंदर रखा और जमे रहे, हालात आते रहे। अब वो जमे रहे, उनके जमने पे अल्लाह पाक ने उनके रोने पे हम सब के दिल को खोला कि आज आप हम एक जगह इकट्ठा होकर अल्लाह उसके रसूल की पाकीज़गी और बड़ाई बयान कर रहे। अल्लाह उसके रसूल की पाकीज़गी और बड़ाई को बयान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उन रोने वालों ने, उन तड़पने वालों ने हमारी आपकी जिंदगी पे मेहनत किया, हमारी आपकी जिंदगी पे मेहनत किया कि ये अल्लाह का बंदा या बंदी जहन्नम में ना जाए, सब जन्नत में जाने वाले बन जाए। इस मर्दों के पीछे मेहनत किया ताकि ये मर्द बन गया और मस्जिद का आदि बन गया, मस्जिद के आमाल वाला बन गया। अब मस्जिद में इसके औकात लगने लगे, मस्जिद के नूरानी आमाल में अब ये जब लग गया तो अब ये जब घर जाएगा अपने घर की मस्तूरात बड़े छोटे सबको ये बनाने का जरिया बनेगा। अब एक मर्द बना, उसने मेहनत की तो एक घर बना, उस घर से माहौल बना, उस घर का माहौल बना। अब उसने पड़ोसियों ने देखा कि नहीं भाई इस घर के अंदर जाओ तो बड़ा माहौल है, बच्चे सलाम करते हैं, पर्दा लड़कियां पर्दे करती हैं, किसी गैर के आगे जाती नहीं, किसी सब्जी वाले धोबी ये वो जितने भी गलियों कूचों में आवाजें लगाने वाले उनके पास नहीं जाते, घर के मर्द यहाँ तक के भूखी रह जाएंगे लेकिन बाहर निकल कर के कोई चीज नहीं मंगाएंगे, ये कैसे हुआ? कहा इनके मर्द के ऊपर भी किसी ने मेहनत की, अब वो बहुत नमाजी बन गए, अब वो भी अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन गए। अब उनसे उनके अंदर जितनी पहले वो गैर जरूरी बात हम सबको नजर आता था, अल्लाह ने उन सबसे तौबा करने की तौफीक उनको दी। अब वो तो बहुत ही अपने पड़ोसियों का भी ख्याल करते हैं, घर के बाल बच्चे से लेकर सबके, कहते हैं कि भाई ये आखिरत की जिंदगी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, इसमें दुनिया के अंदर थोड़ी सी मशक्कत,
थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी कुर्बानी दे दो, थोड़ी सी मुशक्कतों को बर्दाश्त कर लो, अल्लाह पाक नेमतों की तकमील कर देंगे। अगर अल्लाह को नाराज करके चले गए तो जहमतों की तकमील कर देंगे, फिर जहमत ही जहमत है और हुक्म के पूरा हो जाने पर नेमत ही नेमत है। इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में निकल कर, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि किसी चीज के भी हासिल करने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, जान माल वक्त। एक बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है तो वो इन तीन चीजों को खर्च करता है, एक तो अपना वक्त लगाता है, फिर वालदैन उसे पैसा भी देते हैं और वो खर्च करता है, तो जान भी, अपनी जान को भी खपाता है, माल को भी खपाता है और अपने वक्त को भी देता है, फिर उसे अहमियत होती है जिस मेहनत को वो कर रहा है, उसकी अहमियत अल्लाह पाक उसके कुलूब में उतार देते हैं। आज दीन के सीखने सिखाने में, दावत के बोल को बोलने में, दीन को सीखने सिखाने में, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने में, अल्लाह की अजमत और बड़ाई को, किबरियाई को बताने में, लोगों तक पहुंचाने में और दीन के सीखने सिखलाने में, यानी खिदमत में और लोगों के अंदर ये तमाम बातों के वजूद में आने के लिए अगर किसी का दिया हुआ जान माल अगर लग जाए तो अल्लाह पाक इस दीन की हकीकत उसके दिल में उतार देंगे, दीन के मिटने का दर्द गम उसे नसीब होगा और अल्लाह पाक इस दीन की मेहनत कर, दीन की मेहनत करने वालों की वजह से जितना मिटा हुआ दीन है अल्लाह पाक उसको दोबारा से जिंदा फरमाएंगे और मौजूदा दीन की हिफाजत और उसकी हकीकत इस मेहनत करने वालों के कुलूब में उतार देंगे। इसके लिए फरमाते हैं कि जिंदगी की पहली फुर्सत तो किसी की जिंदगी में 4 माह लगाकर इस काम को सीखा जाए, अल्लाह का दिया हुआ जान माल लेकर कमोबेश औकात के लिए अल्लाह के रास्ते में निकला जाए ताकि दीन के मिटने का दर्द गम हम सबको नसीब हो और दीन के फैलाने का जो है जज्बा अंदर से पैदा हो। दरअसल ये शौक जज्बे का काम नहीं बल्कि आज मुसलमानों की सलाहियत चूंकि नहीं लग रही है इस पे, इसलिए मुसलमानों की सलाहियत का दीन में लग जाना तो इससे ये होगा, एक तो दीन आगे फूलेगा, फलेगा, चमकेगा, फैलेगा और इसके जरिए से इसकी दुनिया दीन बन जाएगी, इसकी दुनिया दीन बन जाएगी। इसलिए उलमा फरमाते हैं अपनी दुनिया को दीन बनाओ, हर मामलात को दीन बनाओ, खाना पीना सोना जागना तजारत हर चीज को दीन बनाओ, यहाँ तक कि तालीम और ताल्लुम को भी दीन बनाओ। जब ये दीन बनेगा तो उसमें पूरी उम्मत की भलाई छुपी हुई है। तो इसके लिए सब भाई का इरादा है ना इंशाल्लाह, आप लोग इरादा करते हैं ना इंशाल्लाह। तो ये आवाज जहां तक जा रही है अब तश्कील का अमल कर लिया जाए। बयान वाला ही तश्कील करता है मर्दों का, मर्दों का इससे नहीं, मर्दों से पूछो, हम मर्दों से पूछो भाई क्या इरादा है, क्या तश्कील है। ये दीन हम सबकी जिंदगियों